नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो तालियां हो जाए उन लोगों के लिए जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट और विकास के नाम पे वोट दिया था। ये सोच के वोट दिया था कि वो क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल फेंकेंगे, करप्शन को बाहर निकाल फेंकेंगे। मैं इतने महीनों से इनके सारे झूठ, इनके सारे फेक न्यूज, इनका प्रोपोगंडा एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे मैं प्रूफ दिखाने के बाद भी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब सच्चाई सबके सामने है, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन चुके हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में क्या प्रॉमिस किया था। जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा, और एक साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो अपराधी है लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। शर्म आनी चाहिए आपको प्रधान सेवक जी, इतना सीधा सीधा झूठ बोलते हो जनता के सामने। आपने बोला शुद्धि की शुरुआत करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, 3 रायट करवाने के केसेस हैं, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, 2 रायट करवाने के भी डेडली वेपन के साथ केसेस हैं। वैसे तो मैं अगर इनके सारे चार्जेस पढ़ने बैठ गया तो पूरा 10 मिनट तक चार्जेस ही पढ़ते रह जाऊंगा, इनके कैसे कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर। तो क्या आपकी शुद्धि की शुरुआत इसी से ही होगी? आइए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की थोड़ी और अचीवमेंट्स देखते हैं। इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हफीज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। We start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation. शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। शाहरुख खान नहीं है, कई ऐसे लोग जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती है। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आज में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो, और मैंने नहीं कराया, मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती इसलिए उसका विभाजन असंभावी है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। जिस दिन देश तो जितने भी मोदी सपोर्टर्स, एजुकेटेड मोदी सपोर्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप समझिए किस तरह से झूठ फैलाते हैं, किस तरह से अपने झूमले दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इनकी इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन है व्हाट्सएप पे, फेसबुक, ट्विटर, हर सोशल मीडिया पे कि आपको कुछ भी बिलीव करवा लेंगे, ये कुछ भी झूठ बना के आपको यकीन करवा देंगे कि वो सच है। अभी अगला प्रोपेगेंडा ये फैलाने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी, क्रिमिनल पॉलिटिशियन को अब ये दिखाएंगे कि ये विकास के लिए कितनी बड़ी चीज होगी यूपी के लिए। तो मैं चाहता हूं आप जागिए और समझिए इनका असली एजेंडा क्या है। और कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फेसबुक पे फोटो आप देखते हो तो जरा दया करिए उस पर यकीन करने की, स्पेशली जब उसका बीजेपी, मोदी या हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना हो, चांसेस है कि वो झूठा ही होगा। अगर यकीन नहीं होता तो गूगल करके देख लीजिए, गूगल करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस गूगल पे टाइप करके देख लो और पता लग जाएगा कि वो सच है या नहीं है। तो इनके जाल से बच के रहिए, ब्रेन वॉश ना हुई इनके जाल में, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। आई एम नॉट डिफेंडिंग नम जिन्होंने बोला उनको, उनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की।
अंदर करते हैं कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई योगी हैं, और उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको